Hey everyone, good afternoon and welcome back to my another video and I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूजडे और मैं जा रही हूँ मंदिर, तो चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं दर्शन। और उसके बाद हमने आ जाना है भीमाकाली टेम्पल, तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं और मिलते हैं आप सब मंदिर में। A few moments later. आज है ट्यूजडे, इसीलिए हम आए हैं हनुमान जी के दर्शन करने, जो कि आपका यहाँ पे जो छोटा सा यहाँ पे मूर्ति है हनुमान जी की, वो आपकी अपर भ्यूली में है। भ्यूली से आप ऊपर वाली साइड आ सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो। ये दिख रहा है आपका सौलीखड, और बाकी हम आपको बताएंगे बाद में। तो सबसे पहले पूजा करते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद। यहाँ तो हमने पूजा कर ली है, अब हम चलेंगे भीमाकाली टेम्पल की तरफ और जाएंगे वहाँ भी दर्शन करेंगे और आपको भी बताएंगे कुछ बातें। अभी हम पहुंच चुके हैं भीमाकाली टेम्पल, जो कि भ्यूली में है। ये जो इस साइड को है आपका, ये है भ्यूली और ये है मंदिर का गेट, देख सकते हो आप। और ये बच्चों को खेलने के लिए पार्क भी बनाया गया है यहाँ पे। शाम के टाइम भीड़ भी होती है यहाँ, मतलब लोगों के बैठने के लिए भी कितने बेंचेस लगे हुए हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और फिर आपको भी बताते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं मंदिर के बारे में, आप रीड कर सकते हो और कैंपस देख सकते हो आप मंदिर का, बहुत ही प्यारा है। और ये सामने मंदिर की सनाएं जो है, फंक्शंस भी होते हैं यहाँ, शादियाँ एंड ऑल सब कुछ होता है, मतलब बुकिंग वगैरह होती है यहाँ पे शादी के लिए, हॉल वगैरह बुक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, डस्टबिन भी रखे हैं। ये देखो, ये यहाँ भोलेनाथ जी की मूर्ति। तो पहले हम दर्शन करेंगे यहाँ भोलेनाथ के।
पुल जो दिख रहा है ये है आपका भ्योली पुल, और ये है टेम्पल, और ये जो सामने आप देख सकते हो जो दिख रहा है वो है गुरुद्वारा, वो भी आपको यहाँ से विजिबल है। और ये रहा नीचे पार्क जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और बैठने के लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने बेंचेस वगैरह लगाए हुए हैं बहुत सारे, और कैंपस आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। और यहाँ नीचे वाली साइड जो है इसके गेट के दूसरी साइड, जैसे हम एंटर करेंगे मतलब राइट साइड को, तो ये आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपकी मूर्तियाँ हैं पांडवों की बनाई हुई है। मतलब बोला जाता है कि जब पांडव वनवास के लिए निकले थे अपने घर से, तो वो यहाँ कुछ टाइम के लिए रुके थे, और ये जो नीचे आप देख पा रहे हो ये ब्यास रिवर है आपकी, तो यहाँ पे जब वो कुछ टाइम के लिए रुके थे तो उनकी याद में ये मूर्तियाँ नीचे बनाई हुई है। और बोलते हैं कि जो भीम थे वो माता रानी की पूजा करते थे, और ये मंदिर जो है बहुत मतलब एक मूर्ति होती थी, एक पत्थर की छोटी सी मूर्ति होती थी बहुत टाइम पहले है, तो आप देख सकते हो कितना पुराना है। और धीरे धीरे जो है इसकी बाकी मतलब कंस्ट्रक्ट इसको किया गया, लोगों ने चंदा लेके या जैसे तैसे, फिर मंदिर की जो कमेटी होती है वो सारी चीज़ों ने ऑर्गेनाइज किया इसको, और अब आप देख सकते हो कि कितना प्यारा कैंपस बना दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे कोट भी लिखे जाते हैं, डेली ये चेंज होता है, और ये सराय वाला एरिया। तो चलिए नीचे चलते हैं, और आपको जहाँ पे वो पांडवों की जो मूर्तियाँ वहाँ पे उन्होंने बनाई हुई है वो आपको दिखाते हैं बिल्कुल पास से। और ये पार्क रहा आपका, ये आप देख सकते हो किस तरह से इसको बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखो फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं। जस्ट अमेजिंग। और ये आपकी ब्यास रिवर मैंने आपको बता दिया, और पांडवों के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया, बस अभी जस्ट हम पास जाके एक बार देख लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, मंडी के लोग तो मैक्सिमम वैसे आते ही होंगे, बट अदर जो भी हैं वो एक बार ज़रूर विजिट करें यहाँ भीमाकाली टेम्पल। ये देखिए आप देख सकते हो पांडवों की मूर्तियाँ जो बनाई हुई है, ये मंदिर और ये ब्यास। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, और कल कोई नया प्लेस हम एक्सप्लोर करेंगे, जाएंगे कहीं तो आपके साथ पक्का शेयर करेंगे। सो ठीक है, चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि और आपको ऐसी ही नई नई वीडियो मंडी की देखने को मिले। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता रानी।